बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर उसामा सईद। होप यू ऑल विल बी फाइन एंड सेफ। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था। अच्छा जी, तो हमने क्वेश्चन 2 में पार्ट नंबर 1, 2, 3, और 4 डिस्कस किया था, और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो एक्सरसाइज है किस चीज पे बेस करे, इंडेसेस या लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर था, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इन पे अच्छी तरह प्रैक्टिस भी की होगी। अच्छा जी, आज हम करें क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 5। सो द पार्ट 5 इज ए क्यूब इनटू -2b होल स्क्वायर। वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट बाय यूजिंग लॉस ऑफ इंडेसेस। सो आई हैव टू रिपीट दिस इन माय गिवन, मतलब पहले इसको गिवन में राइट करें। इसके रिक्वायर्ड में हमने लिखना है सिंप्लीफिकेशन। इसके सॉल्यूशन को आप देखिए, जैसे कि उन्होंने हमें दिया है गिवन डेट दिस, इसका मतलब ये होता है कि ये क्वेश्चन में हम फिर बोलते हैं ना आपको सॉल्यूशन में क्वेश्चन को रिपीट कर, तो ये हमने रिपीट किया। फिर अगर आप गौर करें तो एक क्यूब जो है अपनी जगह पे आया हुआ है, इसके साथ ये -2 और b जो है इसके ऊपर पावर 1 है, मतलब a b होल पावर m। तो ये पावर इसको भी दे देंगे आप लोग और इसको भी आप दे देंगे, वो वाला ला इस्तेमाल करें आप, a b होल पावर m। सो a पावर m और b पावर m, कंसिडर दिस a इज -2 एंड b इज b। तो वो ला आपने इधर ब्लैक मार्कर से मेंशन कर देना है, ठीक है जी। तो -2 के ऊपर भी आप 2 लगा लेंगे, b के ऊपर भी आप 2 लगा लेंगे। तो a क्यूब -2 का स्क्वायर क्या देता है, -2 मल्टीप्लाई विथ -2 गिव अस +4, और b का स्क्वायर वही b स्क्वायर देता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना है, मतलब ये 4 आगे कर देना है क्योंकि ये कोफिशिएंट है। a क्यूब इसके बाद लिख देना है और b स्क्वायर इसके बाद लिख देना है, ठीक है जी। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास a क्यूब इंटू -2b होल स्क्वायर का आंसर क्या आ गया, 4a³b² आ गया। चलिए अब इसी पार्ट को मैं वाइट बोर्ड पे करवा रहा हूँ, तो आप सब ने अपने साथ नोट करना है। अच्छा, वाइट बोर्ड सबको दिख रहा होगा, ये है हमारे साथ पार्ट नंबर 5। दिस इज ए क्यूब -2b होल स्क्वायर। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, हमने कल एक ला यूज किया हुआ था, यूजिंग डेट वन। इधर मैं बोर्ड पे, मेरे पास जगह थोड़ी कम होती है तो मैं बस इसको गिवन रिक्वायर्ड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये ला मैंने कल आपको पढ़ाया था, a b होल पावर m, ये बराबर होते हैं a पावर m और b पावर m। ये वाला ला जरा आप इस ब्रैकेट वाले टर्म्स पे अप्लाई करें तो a क्यूब पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, a क्यूब अपनी जगह पे आ जाएगा। -2 क्यूब पर आप स्क्वायर लगाएं और b क्यूब पर भी आप लोग स्क्वायर लगाएं। नेक्स्ट स्टेप में ये बन जाएगा a क्यूब, और -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है ना, तो +4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर जो है अपनी जगह पे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में पर ये ऊपर आप देखिए, ये 4 में आगे लिख लूँगा, a क्यूब इसके बाद लिख लूँगा, बी स्क्वायर इसके बाद लिख लूँगा, तो ये इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में आप लोगों ने क्या करना होगा, वही क्वेश्चन और इसके सामने ये आंसर लिख देना होगा, ठीक है जी। अच्छा चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, सही है जी।
तो नेक्स्ट पार्ट पे आने से पहले आप थोड़ा सा इसको देखिए, आवाज सबको आ रही है? अच्छा जी, चलिए नेक्स्ट पार्ट को देखिए आप, सिक्स्थ वन को। ये लिखा है ए स्क्वायर बी इंटू ए स्क्वायर बी, इनको हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैंने गिवन में राइट किया, इसके रिक्वायरमेंट सिंप्लीफिकेशन राइट की, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखना है फर्स्ट उसको रिपीट किया, और फिर हमने इन दोनों को जो है मल्टीप्लिकेशन से भी आप कर सकते हैं, और अगर आप उससे नहीं करना चाहते हैं ना लॉस ऑफ एक्सपोनेंट से करना चाहते तो उससे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं उससे बोर्ड पे करवा दूंगा आप लोगों को। ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, तो ए और ए सेम है ना, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, उन्होंने इससे किया हुआ है, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बेसिस सेम है, इसका पावर टू है, इसका पावर भी टू है, तो टू प्लस टू से फोर आ जाएगा। ये दोनों बेसिस भी सेम है, इस बी का पावर वन है, इस बी का पावर वन है, तो वन प्लस वन से इन्होंने किया है। तो ए क्यूब पर टू प्लस टू से क्या आता है, फोर आता है, और बी क्यूब पर वन प्लस वन से क्या आता है, टू आता है। तो इसका आंसर ए फोर बी स्क्वायर है। आप इस वाले राशि भी कर सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट कहता है कि मैंने इससे नहीं करना है तो वो इससे कर ले, ठीक है। मैं करवा रहा हूँ इस तरह है, सिक्स वन के ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी दोनों ग्रुप्स है, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी। आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस बाय यूजिंग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आप गौर करें कि ए स्क्वायर बी के ऊपर बी वन है, ए स्क्वायर बी के ऊपर बी वन है, तो ये हमने पढ़ा है ए पावर एम और ए पावर एन बेसिस सेम, पावर शुड बी एडिट, ये मैं अगर लगा तो इससे ये एक बेस में लिख लूंगा ए स्क्वायर बी, और इसके ऊपर ये वन और वन जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वन प्लस वन हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्वायर बी के ऊपर क्या आ जाएगा, वन प्लस वन से क्या आंसर आता है, टू आता है। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये मैं वो वाला ला इस्तेमाल कर लूंगा कि ए बी होल पावर एन या एम, तो ए को भी हम पावर में एम दे देते हैं और बी को भी हम पावर में एम दे देते हैं, ये वाला ला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर के ऊपर भी मैं टू लिख लूंगा और बी के ऊपर भी मैं स्क्वायर लिख लूंगा, तो इसका आंसर ए फोर बी स्क्वायर आ गया। दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है जी। तो आप इन दोनों मेथड से कर सकते हैं, सही है? अच्छा चलिए, अब आप जरा नेक्स्ट पार्ट को देखें, द सेवंथ वन क्वेश्चन इज, ओके दिस इज एट वन, सही है। ये पहले में सेवन करवा दे तो फिर एट आएंगे, सही है। इधर लिखा है सेवन में ए नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाय टू, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो ए नॉट बी नॉट को मैंने गिवन में रिपीट किया, डिवाइडेड बाय टू, इसके रिक्वायर्ड में हमने राइट करने सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन को आप देखें तो ये उन्होंने दिया है। अच्छा जी, कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी करवाई थी कि एनी नंबर रेस्ट टू द पावर जीरो विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू वन, मतलब किसी भी नंबर का आप पावर ले लें जीरो तो वो हमेशा वन के बराबर होगा। कल के लेक्चर में मैंने इसको प्रूफ भी करवाया था, तो उधर से भी आप ले देख सकते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू भी वन हो, बी नॉट की वैल्यू भी वन हो गई डिवाइडेड बाई टू, और सबको पता है वन वन जा वन डिवाइडेड बाई टू, तो जी इसका आंसर क्या आ गया, ए नॉट बी नॉट डिवाइडेड बाई टू का आंसर आ गया वन बाई टू। सो दिस वन इज रियली इजी, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको तो बोर्ड पे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ये फिर आप कर ले। चलिए एट वन को देखिए, ये एट वन आपको देखेगा बुक पेज नंबर 67 पे, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसको मैंने गिवन में रिपीट किया, इसके रिक्वायर्ड में हमने लिखना है सिंप्लीफिकेशन,
सॉल्यूशन हम करेंगे, तो ये इन्होंने चूंकि दिया हुआ है तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करने हैं कि जितने भी आपके पास बेसिस हो उनका एक एक्सपोनेंट हो तो वो एक्सपोनेंट सब के ऊपर बारी बारी लगेगा। तो देर इसके सामने आप इसको इस तरह लिखे a इंटू बी इंटू सी होल पावर m इज इक्वल टू a पावर m b पावर m एंड c पावर m। वो ला अगर आपको याद हो ना तो वो मैंने आपको सिर्फ ए बी के लिए करवाया था, तो जरूरी नहीं है कि वो हम ए बी के लिए करेंगे। ठीक है जी, जितनी भी बेसिस हो उन सब पे आप बारी बारी इसको डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप देखें तो माइनस थ्री एक बेस है, इसको भी मैंने टू दिया, ए स्क्वेयर को भी मैंने टू दिया, ठीक है, और बी स्क्वेयर को भी मैंने ये पावर एक्सपोनेंट में टू दिया। तो माइनस थ्री का स्क्वेयर नेगेटिव नंबर का इवन पावर, मतलब माइनस थ्री मल्टीप्लाई विथ माइनस थ्री गिव अस प्लस नाइन। तो ये गलती से इधर ये माइनस नाइन लिखा गया है। ठीक है जी, तो इसका आंसर प्लस नाइन ए फोर बी फोर हो जाएगा। सही है जी। चलिए इसको आप जरा वाइट बोर्ड पे भी देख लें, अपने साथ नोट कर सकते हैं आपको। अच्छा ये एट वन में करवा रहा हूँ। सही है जी, एट वन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर होल स्क्वेयर सॉल्यूशन। बोला तो सबको आ रहा है ना, कि मिसाल के तौर पर आपके पास ए इंटू बी इंटू सी हो ना और इसके ऊपर एक पावर हो तो ये पावर सब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा बी पावर एम और सी पावर एम। सिंपल है, ठीक है, ये वाला ला इस्तेमाल करें आप। तो माइनस थ्री के ऊपर भी टू आ जाएगा, ए स्क्वेयर के ऊपर भी ए स्क्वेयर आ जाएगा और बी स्क्वेयर के ऊपर भी ए स्क्वेयर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में फिर आप क्या करेंगे, माइनस थ्री मल्टीप्लाई विथ माइनस थ्री, तो माइनस माइनस प्लस और थ्री थ्री जा नाइन और साथ में ए फोर और बी फोर, दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, चले अब आप इस पेज पे पार्ट नाइन को देख ले। सही है जी, नाइन्थ वन इज ए स्क्वेयर होल a square divided by b power 4 whole power 3 by 2। अगर आपको याद हो ये quotient वाला law भी हम कल पढ़ चुके हैं। given में इसको repeat किया है, सारे question required में simplification लिखा, solution में हमने लिखा इसको repeat किया। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास a by b whole power m हो ना तो ये m इस ए को भी मिल जाएगा और इस बी को भी मिल जाएगा, तो ए स्क्वेयर को भी ये पावर आप दे देंगे, डिनोमिनेटर को अलग से दे दे, डिनोमिनेटर को आप अलग से दे दे। ठीक है जी, ये टू और ये टू कैंसिल तो ए के ऊपर क्यूब आ जाएगा और टू वन जा टू, टू टू जा फोर तो इधर टू रह जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में ए के ऊपर क्यूब आ जाएगा और ये टू थ्री मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गए तो इससे सिक्स बन जाएगा और नेक्स्ट स्टेप में वो डिवीजन वाला लाके ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब बी पावर समथिंग हो तो ये पावर जो ये जब बेस जब ऊपर जाता है तो इसका पावर नेगेटिव होता है। इसका आंसर इधर तक भी काफी है लेकिन चले आप इधर तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख ले। सही है जी, चले इसको भी मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड पे करवा देता हूँ। अच्छा, लुक टू दिस वन, नाइन्थ वन। The ninth one is a square divided by b power 4 whole power what 3 by 2। इसके सॉल्यूशन को आप जरा देखें। अच्छा जी, एक इसके सॉल्यूशन को आप देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि a by b whole power m, तो ए के ऊपर भी एम लगेगा और बी के ऊपर भी एम लगेगा। सही है,
तो मतलब मैं इस स्क्वायर के ऊपर बी लगा लूंगा 3/2, और मैं बी फोर के ऊपर बी लगा लूंगा 3/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये टू और ये टू कट जाएगा, तो ए के ऊपर सिर्फ ये थ्री रह जाए, क्यूब रह जाएगा, और टू वन जा टू और टू टू जा फोर, तो बी के ऊपर क्या रह जाएगा, 3 × 2 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ए क्यूब डिवाइडेड बाय बी पावर व्हाट, 2 × 3 = 6 या 3 × 2 = 6, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। सही है जी, आई होप यू विल गेट द पॉइंट, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले आप लोग, सही। अच्छा चलिए, अब आप जरा बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन को सब देखे, शाबाश। बुक में है क्वेश्चन फोर है ये, सही है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, उसी तरीके से लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को इस्तेमाल करती हुई। फर्स्ट वन पार्ट है 7/6 / 7/4, इसको मैंने गिवन में रिपीट किया, इसके रिक्वायर्ड में मैंने लिखा सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन में है कि गिवन डेट ये हमें मिला, तो सबको पता है कि ये अपनी जगह पे हम लिख लेंगे 7/6, ये 6 नहीं है सिर्फ, बस इधर हम लिख लेंगे, और ये 7 जब ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर नेगेटिव बन जाएगा। अब बेसिस सेम है ना, बेसिस सेम है, इनकी पावर की आपस में क्या होगी, एडिशन होगी, तो 6 + (-4), तो 7 तो अपनी जगह पे आ जाएगा, इसके सामने स्टेप को आप देखिए, तो 6 - 4 से क्या आता है, 2 आता है, जो कि 7² बन जाएगा, और 7² क्या देता है, 7 दैट इज 7 × 7, सो 7 × 7 = 49। अच्छा स्टूडेंट, ये क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट क्लास ही किया है ना, ठीक है, बेसिस सेम पावर शुड बी एड। लेकिन अगर आपको याद हो कि मैंने आपको कल बताया था, कल के लेक्चर में, कि अगर आपके पास इस तरह हो ए पावर एम डिवाइडेड बाय बी पावर एन, तो डायरेक्ट आप ला इस्तेमाल किया करें, तो अगर आप उससे करना चाहते जिस तरह मैं अभी कर रहा हूँ, सी ये 3 में 1, क्वेश्चन 3 में 1 है, 7/6 / 7/4 solution। अच्छा तो ये अगर आप देखें तो a power m divided by a power n, देखें ना a के लिए मैंने 7 consider किया, m के लिए 6 और n के लिए 4, तो आपको ये वाली याद लाया है कल वाली, a power m minus n direct बन जाता है using this one। तो जब मैं ये ला इस्तेमाल करूंगा ना, तो मैं इस 7 को डायरेक्ट 6 - 4 इसके पावर में दूंगा, जो कि किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर, जो कि 7² मतलब 7 × 7 होता है, और 7 × 7 = 49 होता है, तो ये भी आपका रिजल्ट हो गया, सही है। और अगर आप उस तरह करते हैं कि इसको ऊपर लेके जाते हैं, -4 बन जाते हैं, फिर बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, उस वाली लासी करना चाहते तब भी ठीक है, सही है। अच्छा चले, अब दोबारा वो उस पे आते हैं, लुक टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड वन पार्ट, 2/4 मल्टीप्लाई विथ या इनटू 5/3 डेट इज 5³ डिवाइडेड बाय 10² इसको मैंने गिवन में रिपीट किया और इसके रिक्वायर्ड में लिखा सिंप्लीफिकेशन गिवन डेट दिस वन ये हमें क्वेश्चन मिला है। अच्छा जी अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपने ये सीखना है कि इस नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये तरीकाकार अपनाना है कि इनके बेसिस सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, बेसिस सेम हो जाए। तो अगर आप गौर करें ना, 2/4 को मैंने अपनी जगह पे राइट किया,
5 क्यूब को मैंने अपनी जगह पे राइट किया, और इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5। बोले जरा 2 मल्टीप्लाई 5 क्या देता है, 2 5 जा 10 अगेन। देखिए इस डिनोमिनेटर में इस 10 के लिए मैंने लिखा 2 इंटू 5, और इसके ऊपर स्क्वायर है ना, तो वो स्क्वायर इन दोनों के ऊपर इज अ होल आएगा। कहने का मतलब ये है कि इस 10 को 2 इंटू 5 लिखा और इस 2 को उन दोनों के ऊपर राइट किया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस नोमिनेटर में कोई चेंज नहीं किए हुए, देखिए 2 पावर 4 अपनी जगह पे, 5 क्यूब अपनी जगह पे, इस वाले पे ला इस्तेमाल किया हुआ है। कौन सा ला इस्तेमाल किया, ये a है और ये b है होल पावर m, तो a को भी m दे दे, b को भी m दे दे, तो 2 के ऊपर भी आप स्क्वायर लगा ले, 5 के ऊपर भी आप स्क्वायर लगा ले, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा कि 2 पावर 4 अपनी जगह पे, 5 क्यूब अपनी जगह पे, और ये 2 जब ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये वाला 5 जब ऊपर जाएगा ना तो इसका पावर भी नेगेटिव होगा, तो मतलब इसका पावर माइनस 2 हो जाएगा और इस वाले 5 का पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब वही ला इस्तेमाल करें, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडिट, या रीअरेंज करें स्टेप में, 2 वाले पहले लिख के 5 वाले बाद में लिखे, तो बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड वाला ला इस्तेमाल करें, 2 को बेस ले लो और पावर को ऐड करो 4 प्लस इनटू माइनस 2, 5 को एक दफा लिखो और इसके पावर्स को ऐड करो 3 प्लस इनटू माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप में 2 अपनी जगह पे आ जाएगा और 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 से 2 आ जाएगा, 5 अपनी जगह पे और 3 प्लस माइनस 2, तो मतलब 3 माइनस 2 से 1 आता है, तो अपनी जगह, तो 2 का स्क्वायर 4 आता है और 5 के ऊपर तो 1 है, दोनों प्रोडक्ट में है, तो लिहाजा 4 मल्टीप्लाई 5 इज 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या हो गया, रिजल्ट क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए जी, इसको भी जरा आप व्हाइट बोर्ड पे देख ले, ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ इसके लिए, सही। अच्छा, सवाल इस तरह है कि 2 पावर 4, 2 के ऊपर 4 है, 5 क्यूब पर क्यूब है और 10 क्यूब पर स्क्वायर है। अच्छा, मैं बस डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ला भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ला आपको पता है, ठीक है। इसको मैंने 2 पावर 4 ही लिखा, इसको मैंने 5 क्यूब ही लिखा, और इस 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 5, बिल्कुल लिख सकते, सही है, और इसके ऊपर ये पावर मैंने अपनी जगह पे लगाया। नेक्स्ट में 2 पावर 4 मैंने अपनी जगह पे लगाया, 5 क्यूब मैंने अपनी जगह पे लगाया, इसके डिनोमिनेटर में 2 ये ला इस्तेमाल करें, a b होल पावर m, तो मतलब 2 को भी आप स्क्वायर दे दें और 5 को भी आप स्क्वायर दे दें, सही है। नेक्स्ट स्टेप पे मैं इस तरह कर रहा हूँ कि डायरेक्ट में डिवीजन वाला ला इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपको पता है ना कि a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, तो ये a पावर m माइनस n बन जाएगा, ये डायरेक्ट जरा आप इस्तेमाल करें, तो इससे क्या बन जाएगा, 2 पावर 4 माइनस 2 बन जाएगा, ये ला हमारे पास है ना, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, और 3 माइनस 2 बन जाए, 2 के ऊपर हुआ जाएगा, ये असल में इधर मल्टीप्लाई होता है आपको समझाने के लिए मैंने, और 5 पावर 1 आ जाए, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आते हैं, और 5 पावर 1 इज 5, 4 5 इज व्हाट, 4 5 इज 20, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है जी। अच्छा, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप अपने बुक की तरफ ध्यान दें, इसके नेक्स्ट पार्ट को मैं करवा दूं और फिर आप किसी क्वेश्चंस ले रहा हूं, सही है। अच्छा जी, ये वाला पार्ट आपने बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत पेपर में ये रिपीट हुआ है, क्योंकि आप तो 9 का कोर्स पढ़ रहे हो ना, तो 9 की कोर्स के ज़्यादातर पेपर आप उठाए तो उसमें ज़्यादातर एक साल आया है, दूसरे साल पे इस एक्सरसाइज पे दूसरा क्वेश्चन आया होगा, तीसरे साल पे ये आया है, और ये होम एग्जाम में भी ज़्यादातर आते हैं। तो आपका होमवर्क ये है कि आज जितना भी काम हुआ है इन सबको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले, सही है जी।
अच्छा ए बी होल स्क्वायर है और सी प्लस डी होल क्यूब है और इसके साथ ए प्लस बी पावर वन है और सी प्लस डी होल स्क्वायर है और होल पावर थ्री है, मतलब ये थ्री नोमिनेटर्स, ये सारे नोमिनेटर, ये सारा डिनोमिनेटर, इन सबको ये क्यूब देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बहुत सारे मेथड से आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसको मैंने गिवन में रिपीट किया, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन लिखा, सोल्यूशन में भी एक दफा इस क्वेश्चन को लिखा। अगर आपको याद हो फर्स्ट ला कि ये सॉरी फर्स्ट ला नहीं है, ये डिवीजन वाला ला है कि नोमिनेटर हो डिनोमिनेटर हो और इसके पावर एक हो, तो ये पावर आप नोमिनेटर को भी दे सकते हैं और इस डिनोमिनेटर को भी दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप इस तरह करें कि इस पूरे नोमिनेटर को पावर दे दें और इस पूरे डिनोमिनेटर को आप पावर दे दें। फिर ये नेक्स्ट स्टेप में फिर आप इस तरह कर लें कि ये थ्री इसको भी दे देंगे और ये थ्री इसको भी दे देंगे और ये थ्री इसको भी दे देंगे और ये थ्री इसको भी दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा तो इसके बाद जो है आप फिर इस तरह कर लेंगे कि ये टू थ्री जा सिक्स बन जाएगा और ये थ्री थ्री जा नाइन बन जाएगा और ये थ्री वन जा थ्री बन जाएगा और थ्री टू जा सिक्स बन जाएगा, सही है। तो ये सिक्स ये नाइन ये थ्री बन जाएगा और ये सिक्स बन जाएगा। अच्छा इसके बाद हम इस तरह करेंगे कि ये पावर ऊपर लेके जाएंगे ना, ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद हम ये पावर जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है वो नेगेटिव बन जाएंगे, मतलब जो नीचे पड़ी हुई है ना पावर वो ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव। तो नोमिनेटर देखिए मैंने अपनी जगह पर इधर तक राइट और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी होल क्यूब ये जब ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री बन जाएगा और सी प्लस डी होल पावर सिक्स जब ऊपर जाएगा तो माइनस सिक्स बन जाएगा। अब चलिए जी इस वाले इस ला को इस्तेमाल करें कि बेस इज सेम पावर शुड बी एडेड, तो ए प्लस बी होल पावर सिक्स और ए प्लस बी होल पावर माइनस थ्री, तो बेस इज सेम पावर को ऐड करो, सिक्स प्लस थ्री प्लस इंटू माइनस थ्री तो सिक्स माइनस थ्री तो सी क्यूब आ जाएगा और ये दोनों बेसिस भी सेम है सी प्लस डी, इस वाले के ऊपर नाइन है और इस वाले के ऊपर सिक्स है माइनस सिक्स है, तो नाइन प्लस इंटू माइनस सिक्स तो प्लस इंटू माइनस सिक्स से क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अच्छा इसको मैं वाइट बोर्ड पे भी करवा रहा हूँ लेकिन फिर आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करते कि अभी क्वेश्चन सॉल्व कर ले और फिर अगर टाइम मिला तो ये लास्ट में मैं आपको वाइट बोर्ड पे सॉल्व करवा के दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं करवा दूँ या आप क्वेश्चन दे रहे हैं मुझे, एनी वन हैव टू आस्क यू क्वेश्चन। अच्छा जी बस इसको देख ले आप बोर्ड पे, ठीक है। ये है ए प्लस बी होल स्क्वायर और इसके साथ है सी प्लस डी होल क्यूब और इसके नीचे है ए प्लस बी और इसके साथ है c प्लस डी होल स्क्वायर और पावर इस सब पे है क्यूब का। अच्छा जी फर्स्ट स्टेप ये है कि इस नोमिनेटर को अलग से ये पावर दे दो, डिनोमिनेटर को अलग से दे दो, तो a प्लस बी होल स्क्वायर और c प्लस डी होल क्यूब, इस सबको आप होल पावर क्यूब दे दें और डिनोमिनेटर को भी आप पावर में क्यूब दे दें। अब वो वाला ला इस्तेमाल कर कि ये क्यूब ए प्लस बी क्यूब पर भी आ जाएगा लेकिन इसके ऊपर तो पहले से स्क्वायर पड़ रहा है ना, तो ये थ्री उसके साथ बढ़ेगा और सी प्लस डी उसके ऊपर तो पहले से थ्री पड़ा हुआ है ना, तो ये थ्री मल्टीप्लाई थ्री इसके ऊपर आ जाएगा और ए प्लस बी के ऊपर वन है ना, तो बस वन के साथ थ्री मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और सी प्लस डी के ऊपर स्क्वायर पड़ा है ना, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, टू थ्री सा आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप को आप देखें, इस ए प्लस बी के ऊपर क्या आ जाएगा,
टू थ्री जा सिक्स, और इस सी प्लस डी के ऊपर क्या आ जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन आ जाए, और इस ए प्लस बी के ऊपर क्या आ जाएगा, होल क्यूब आ जाएगा, और इस सी प्लस डी के ऊपर क्या आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, ठीक है, सॉरी टू थ्री जा सिक्स आ जाएगा, सही है। अब मैं डिवीजन वाला ला डायरेक्ट इस्तेमाल करूँ, चलिए मैं ये मिटा रहा हूँ, सही है, ताकि इधर ही मैं आपको करवा दूँ, ये स्टेप तो आपको क्लियर हो गए होंगे, लिहाजा मैंने इसको मिटा दूँ। अच्छा देखिए आप, अब मैं इस तरह करूँगा, ये उठ के एक मिनट, आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह होगा कि ये ए प्लस बी और इसके ऊपर ये क्या आ जाएगा, सिक्स माइनस थ्री आ जाएगा डिवीजन वाले ला, और इस सी प्लस डी के ऊपर क्या आ जाएगा, इस सी प्लस डी की नाइन माइनस सिक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस तरह करेंगे कि ए प्लस बी के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा और सी प्लस डी के ऊपर भी आपके पास क्यूब आ जाएगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। देख ले जरा आप इस पे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, फिर अगर कोई मसला हुआ तो कल इंशाल्लाह इसको फिर डिस्कस कर लें। अभी किसी ने क्वेश्चन पूछना हो तो अभी से पूछ लें, एनी वन जैन पूछे आप। सर जी क्वेश्चन नंबर टू में फोर नंबर पार्ट करवाई, क्वेश्चन नंबर टू में फोर नंबर पार्ट, अच्छा जी देखिए माइक बंद करके सुने इसको, क्वेश्चन नंबर टू में कौन सा पार्ट आप पूछ रहे हैं, एक मिनट नोट्स में निकाल, टू में फोर नंबर पार्ट, अच्छा ये वाला आप कह रहे हैं, तो इसमें इस तरह है कि माइनस टू ए क्यूब है, बी क्यूब है और पावर थ्री है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस थ्री के ऊपर भी आप ये क्यूब लगा ले, ए स्क्वायर होल क्यूब के ऊपर भी क्यूब लगा ले, और एक बी क्यूब के ऊपर भी क्यूब लगा ले, पावर लॉ इस्तेमाल करें, ठीक है, तो पावर लॉ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो माइनस थ्री के ऊपर जब माइनस टू के ऊपर जब थ्री है ना, तो माइनस टू मल्टीप्लाई विथ माइनस टू मल्टीप्लाई विथ माइनस टू माइनस एट आपको दे देगा, और ए टू थ्री जा सिक्स, तो ए पावर सिक्स आ जाएगा, और बी क्यूब होल क्यूब थ्री थ्री जा नाइन, तो आपके पास नाइन आ जाएगा, सही है जी। और किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो जल्दी पूछे शाबाश, अच्छा हमजा आप पूछे, आस्क योर क्वेश्चन हरि अप, ओके मलगलर आप कुछ पूछ रहे थे, जिसको कुछ पूछना है तो हैंड रेस करे अपना, एनी वन हमजा आपने कुछ पूछना है, चलिए जी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, सही है, अच्छा ये आसमा आप कुछ पूछ रहे, पूछे अभी, जी पूछे, चलिए जी ठीक है इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात।